हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, कभी नहीं बनाया होगा, कभी नहीं खाया होगा, आज मैं आपके साथ केले की बहुत ही ज्यादा मजेदार, चटपटी, टेस्टी नई रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी। ये खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो कच्चे केले हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो वैसे तो बहुत लोग कच्चे केले को नहीं खाते, लेकिन इस तरीके से आप ये रेसिपी बना के देंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी लोग इसे मांग मांग के खाएंगे। तो वैसे तो आपने कच्चे केले के कोफ्ते, सब्जी, चिप्स तो बनाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं, इसे बनाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने लिए हैं आधा किलो तक कच्चे केले, जो विटामिन और विटामिन सी और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हैं। तो हम सबसे पहले कच्चे केले को छीलेंगे। तो छीलने के लिए हम सबसे पहले सरसों का तेल हाथ में लगाएंगे, जिससे क्या होता है, केले में जो चिपचिपापन होता है वो हाथों में नहीं चिपकता है और केले हम आसानी से छील पाते हैं। तो चलिए कड़वा तेल लेके आते हैं। देखिए, मैंने सरसों का तेल ले लिया है, 1 से 2 बूंद लेके अच्छे से हथेली पे लगा लेंगे और अब हम इसको छीलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से केले को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से केले को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से इसके ऊपर वाले भाग को अलग करेंगे, जिससे क्या होगा, छीलने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसके इस तरीके से छिकले को अलग करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ही रखना है कि हमें इसको मोटा मोटा निकालना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं निकालना है, क्योंकि लालपन नहीं होना चाहिए, इससे रेसिपी का लुक बेकार हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके से हम फटाफट इसको छील लेंगे। तो आप ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आपके हाथ भी काले नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम फटाफट छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से सारे केले को मैंने छील लिया। अब इसको हम साइड में रख देंगे, यहाँ पे हम केले के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको इतनी 1-1 इंच की दूरी पर कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप केले की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और केले की इस रेसिपी को एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बना के देखिएगा। आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी सब कुछ भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, जिससे क्या होगा, केला बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है और काला नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास ठंडा पानी डाल दिया है। अगर आपके पास ठंडा ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का भी डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा भारी और इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। हम ना इसमें घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 गिलास ऐड किया है, फिर उसके बाद 1 गिलास वापस से डालूंगी, क्योंकि मेरी गिलास छोटी छोटी है तो इसलिए मैं 2 गिलास डाल ली हूँ। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 गिलास डालना। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून डाला है। फिर इसके बाद 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 उबाल जब तक नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा उबाल आना शुरू हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अपने केले को पानी से निकाल के इसके अंदर डालेंगे। तो अभी उबाल आना शुरू हो गया है, अब इसके अंदर हम अपना केला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, केले बिल्कुल भी काले नहीं पड़े, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड करके केले को डाला था और हमारे केले पानी के अंदर थे और केले का जितना स्टार्च था निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही खुला कम से कम 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि केले हमारे सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे केले को हमें गलाना नहीं है, बस इसका कच्चापन निकालना है। तो 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकाइए और 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे डियर।
तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं केले को पकते हुए, केले हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं, 30% अभी कच्चे हैं। यहाँ पे हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है, यानी गलाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को हम फटाफट बंद कर देंगे। तो चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इस तरीके से हम फटाफट इसको निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल भी हमारा ना जाए, हमें सिर्फ केला के लिए चाहिए। चलिए इसको फटाफट निकाल लेते हैं, फिर इसको हम कैसे यूज करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी हमें क्या करना है, मैसर ले लेना है। अगर आपके पास मैसर ना हो तो आप मिक्सी का जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। मैश करने से दो फायदे होंगे, एक तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और रेसिपी बनाने में हमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास मैसर ना हो तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मैश कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिए कि इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के बाद ही मैश कीजिए, क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं। मैसर है तो आप इसे गरम गरम भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसके मोटे मोटे जितने भी टुकड़े थे वो ख़त्म कर लिए हैं और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए थोड़े थोड़े मोटे मोटे चंक्स होंगे तो चलेंगे, लेकिन जो केला होना चाहिए उसको हमें अच्छे से मोटा मोटा मैश कर देना है, बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के। यहाँ पे देखिए 1 चम्मच तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई का यूज़ किया, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा मोटा लीजिए। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे, गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। 1 चुटकी हींग डाल देंगे, फिर 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसके बाद एक मीडियम साइज की प्याज डालेंगे, अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और प्याज को हमें ना ही काला करना है, ना ही ब्राउन करना है और ना ही रेड करना है, बस हमें प्याज का कच्चापन दूर करना है और हल्का सा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए बस इतना भूनना है। जैसे हमारी प्याज भून जाएगी हम इसमें डाल देंगे अदरक, तो 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा पेस्ट आएगा और जब आप नाश्ता खाएंगे तो मोटे मोटे से चम्मच आएंगे तो आपको खा के मज़ा आ जाएगा। फिर हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरी तीखी नहीं थी मैंने 2 डाली है, अगर आपकी तीखी है तो आप सिर्फ 1 डालना। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मोटी वाली सौंफ, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी को हमें अच्छे से पका लेना है क्योंकि हल्दी का कच्चापन होगा तो नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्दी को 10 से 15 सेकंड पकाने के बाद अब ये जो हमारा केले वाला था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐड कर दिया है, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि जितनी भी नमी है केले की वो ख़त्म हो जाए और इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और इसमें एक सोनापन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्दी का कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 1/4 चम्मच डाला है। अगर आप ज़्यादा हल्दी डालते हैं तो पीलेपन की जगह पर लालपन आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, ना ही टेस्ट में अच्छा लगता है। तो हल्दी आप लोगों को ज़रूर डालनी है क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और दूसरी बात खून को साफ करती है। तो यहाँ पे देखिए हमने 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से भून लिया है। अब भूनने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्या आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। तो केले में नमक है तो थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने बॉईल करते समय भी डाला था, तो ज़्यादा केले में नमक नहीं डालना है। और इसको डाल के हम वापस से 10 से 15 सेकंड भूनेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाए। यहाँ पर मसालों का कच्चापन जरूर दूर करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है, इसको भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, आप चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया ना हो तो, अगर हरा धनिया है तो हरा धनिया जरूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अगर आप हरा धनिया डालने के बाद ज़्यादा पकाते तो उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है, लुक भी नहीं आता है। अब इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे
हाफ टी स्पून तक चाट मसाला। चाट मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चाट मसाला हमें लास्ट में डालना है और डालते ही गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप पहले डाल देते हैं तो चाट मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से नहीं निकलता है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, बाद में आप इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर पाएंगे। तो मैंने चख लिया है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया लेकिन फिर भी इसको हम निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में क्योंकि बर्तन अभी गर्म है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे से लग जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक दूसरा काम करते हैं। फ्राई को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें एक में छोटा चम्मच तेल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक चुटकी डालेंगे हींग, सिर्फ एक चुटकी डालना है। तो मैं चुटकी से ही डाल ले रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, एक ग्रीन चिली जिसको इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे, एक साबुत खड़ी लाल मिर्च को भी इसके तोड़ लिया ये डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और साबुत खड़ी लाल मिर्च का दोनों का इस्तेमाल किया है, दोनों के मिश्रण से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमें प्याज को काला नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हमें पका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 से 3 मिनट प्याज को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट तक मैंने प्याज को पका लिया है, प्याज का जो कच्चापन था वो निकल गया है और प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने लगी। बस इतना पकाना है, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन या ब्राउन नहीं करना है। फिर इसके बाद हम इसमें 3 कलियाँ लहसुन की डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। फिर 1 इंच का अदरक डालेंगे जिसको हमने छिलके के साथ डाला है, सिर्फ 1 इंच का डालेंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा अदरक का इस रेसिपी में। फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चने की दाल डाल देंगे जिसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, भिगो कर नहीं लिया है। तो चने की दाल अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे धुली हुई उड़द की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल को हमें डाल के 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है। दाल को हमें यहाँ पे कच्चा ही इस्तेमाल करना है, भिगा के नहीं लेना है। तो यहाँ पे जब आप इसको 5 से 10 मिनट धीमी धीमी आंच पे भूनते हैं तो दाल का जो कच्चापन है वो निकल जाता है। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं भूनना है, नहीं तो दाल बहुत ही जल्दी काली हो जाएगी और काली हमें नहीं चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सूखा नारियल, जो हमने 1 चम्मच नारियल को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपके पास सूखा वाला ना हो तो आप फ्रेश वाली नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपके पास सूखा वाला नारियल ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश वाली नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल ही ना हो तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो यहाँ पे ये गया हमारा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, और कोई इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, हल्का सा गुनगुना होगा तो चलेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ 1 से 2 चम्मच। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस गया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरीके से तड़का पैन रख देंगे। और अब हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि ये फटाफट गर्म हो जाए और ऑयल हमारा जल्दी से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गर्म हो चुका है तड़का पैन, अब इसके अंदर ऑयल डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। ऑयल को भी बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म हो गया हम आपको बता देते हैं हमने क्या लिया है। हमने लिया है थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा सफ़ेद तिल और 1 चुटकी हींग। बस इसको डाल के चटका लेंगे 10 से 15 सेकंड, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये चटक जाएगा तो इस तरीके से गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसको ऐड करने के बाद अब हमारा देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना प्यारा हो गया है और टेस्ट भी बढ़ गया है। चलिए आपको मिला देते फिर दिखाते, ये देखिए। तो यहाँ पे इस चटनी के साथ आप कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पैन को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ना घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, आप घी और बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग, बस काफ़ी है।
फिर इसके बाद हम इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल में, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून तक जीरा। तो जीरा हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इससे लुक भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना डाल सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ते को भी बारीक करके डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खा सकते डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चौथाई चम्मच डालूंगी, क्योंकि हमारा केले वाले मिश्रण में पहले से नमक है तो हमें ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुटी वाली डाली है, अगर आपके पास कुटी वाली लाल मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह पे पिसी वाली भी डाल सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को हमने हाई किया है, अब हम इसको मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सवेरा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है, अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, बारीक हो जाएगी। यहाँ पे वेट नहीं है हमारी 50 ग्राम है और नाप में एक कप है। अगर आपके पास इस तरीके से मेजरमेंट कप ना हो तो आप इसकी जगह पे घर की कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सूजी डाल के अच्छे से मिक्स करना है, इससे क्या होता है ये अच्छे से कुक भी हो जाती है और गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। अगर आप एक साथ डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप सूजी 2 कटोरी ले सकते हैं और पानी 2 गिलास लीजिएगा बड़ी वाली। तो यहाँ पर मेरी 1 कप सूजी थी तो मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। तो मेरे हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, परफेक्ट मेजरमेंट है। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सिवटने लगा है और फैन छोड़ गया है। तो यहाँ पे मुश्किल से सूजी को पकने में 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है, तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाइए और इसे छोड़ के जाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी सूजी जल जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि पैन हमारा भारी है। अगर आप भी पैन भारी ले रहे हैं तो इस समय गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इसमें इतनी हीट होती है कि ऑलरेडी ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से दानेदार सूजी हमारी कुक हो गई है। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूजी से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता गर्म गर्म होता है तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन ठंडा होने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। तो सूजी को इस तरीके से पका के यूज़ करेंगे तो नाश्ता कभी भी सॉफ्ट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊँगी। काफ़ी ज़रा जल रहा है, थोड़ा सा मिश्रण लीजिए और इस तरीके से गोला बनाइए। अगर गोले में बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा गोला बनना है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर क्रैक है तो थोड़ा सा और पकाइए। अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करते हैं, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, हल्का सा गुनगुना है। तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉर्नफ्लोर की रेसिपी चाहिए घर में कैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप अपनी हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, घी और बटर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से हथेलियों को पहले ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जब भी सूजी का नाश्ता बनाते हैं वो फट जाता है, तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और अंदर से खस्ता बनेगा। तो हलवाई लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको अच्छे से मसलना है, मसल मसल कर बिल्कुल अच्छे से सूजी को चिकना कर देना है, सूजी में जो बिखरापन होता है वो खत्म करना है, इसी से आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने मसल लिया है, थोड़ा सा वापस से ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और फिर उसे मसलेंगे ताकि ये और चिकना हो जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मसल मसल के मैंने बिल्कुल इसको अच्छे से चिकना कर दिया है और सूजी का जितना बिखरापन था वो खत्म कर दिया है। तो ये आपको जरूर काम करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से चिकना करके ही आप इसे शेप दे पाएंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी डिजाइन डालना बताऊंगी। जो भी इस नाश्ते को खाएगा तो सबसे पहले इसका सवाल यही होगा कि आपने ये सुंदर सी डिजाइन कैसे डाली है, और इसे हम बनाएंगे बिना किसी मशीन के। तो बहुत ही किचन की बेसिक चीजों के साथ बहुत ही सुंदर सी डिजाइन डाल के आपको दिखाएंगे, जो इस रेसिपी में 4 चांद लगा देगी। बच्चे हों या बड़े, सभी लोग इसे मांग मांग के खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हथेली पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि शेप हमारा बहुत ही अच्छे से रहे। अब इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे, बाकी को हम साइड में रख देंगे कवर करके, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लेने के बाद इसका हम बिल्कुल अच्छे से चिकना पेड़ा बना लेंगे। तो अगर आप डिज़ाइन नहीं डालना चाहते तो बिना डिज़ाइन के ही बना सकते हैं, लेकिन मेरी तरीके से एक बार डिज़ाइन डाल के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा
आप देखिए इस तरीके से हम इसको चपटा करेंगे। यहाँ पे हमें किनारों को पतला करना है और बीच को मोटा रखना है, कोई भी बेलन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लेंगे। यहाँ पे जो हमारा चटपटा वाला स्टफिंग था केले वाला, वो हम इसके बीचों बीच में रखेंगे एक चम्मच। और यहाँ पे अब हम इसको हथेली पे ले लेंगे और इस तरीके से इसको बंद करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको बंद कर देना है। मिश्रण आपका बिल्कुल अच्छे से, यानी जो आपका सूजी का वो होगा डो, बिल्कुल अच्छे से चिकना होगा तभी आप ये शेप दे पाएंगे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और आप इसमें डिजाइन डालने का तरीका बताएंगे। तो नाइफ लेके इस तरीके से हमें इसके कट लगा देना है। कितनी सुंदर से डिजाइन पड़ गई है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी बना लेते। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से तीन मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी जिससे आप और सुंदर डिजाइन डाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से लोई को मैंने चिकना कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको चपटा कर लेंगे, ये देखिए जैसे हमने पहले वाले के लिए किया है। और यहाँ पे हम अपना मिश्रण ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमें मिश्रण लेके इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते पहले वाले के तरीके से, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसको कटलेट का शेप दे दीजिए। ये हो गया नॉर्मल वाला कटलेट। अब मैं इसमें सुंदर से डिजाइन डालना बताऊंगी। तो डिजाइन डालने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है, नाइफ के धार वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं करना है, पीछे का ही इस्तेमाल करना है। आप चम्मच भी ले सकते हैं और इस तरीके से हम इसमें डिजाइन डाल देंगे। ये देखिए फिर इसके बाद हम इस तरह से इसको कर देंगे, जिससे क्या होगा सुंदर से डिजाइन पड़ जाएगी। तो कौन सी डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप इसे किस तरीके से रेडी करेंगे? आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब आपका दिल करे या मेहमान है आप बना के खा सकते हैं और गर्मा गर्म उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। इससे क्या होगा आप एक टाइम में बहुत सारा बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपको तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा आपको इसके अंदर नाश्ता नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये सूजी का नाश्ता है, तुरंत सूजी जाके बिखर जाएगी। तो जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो इस तरीके से चेक करना है, हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो क्या होगा ऊपर से तो कलर पकड़ लेगी लेकिन अंदर से खस्ता और कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इस रेसिपी को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है क्योंकि सूजी हमारी पकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इतना बना लिया है, बाकी मिश्रण को मैंने रख दिया हवाबंद डिब्बे में भर के, बाद में बनाऊंगी। आप भी इस तरीके से बैटर को बना के, यानी सूजी के बैटर को बना के और स्टफिंग को बना के रख सकते हैं। यहाँ पे डालते ही तुरंत आपको इसको पलटने की गलती नहीं करनी है, इस बात का ख्याल रखना है। दो मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, दो मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। टोटल इसको बनने में चार मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। और आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपने मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाया होगा तो नहीं खराब होगी। तो यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि सूजी के मिश्रण को अच्छे से पकाना है और यहाँ पे फिर इसके बाद आपको इसको यहाँ पे तेल में भी अच्छे से पकाना है। अगर कच्चा आप निकाल लेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए दो मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। फ्रेंड दो मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पे इसको टर्न करने के बाद अब हम इसे दूसरे साइड भी दो मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में चार मिनट का टाइम लगेगा और जिसके सामने आप बाकी मार्केट के सारे स्नैक्स भूल जाएंगे। तो चलिए दो मिनट और पका लेते हैं। यहाँ पे बस आपको ख्याल ही रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको लाल किया है। आप चाहे तो इसको कम भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से अच्छे से लाल करेंगे तो ये रेसिपी आप स्टोर कर पाएंगे। देख लीजिए डिजाइन कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। तो मुझे तो काफी कुरकुरा पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसे बिल्कुल अच्छे से लाल किया है। आप चाहे तो कम लाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। तो चलिए अब आपको इसको सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कितने मजे के बने हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज्यादा ये नाश्ता देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है इस तरीके से। देखिए हथेलियों पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर डाला है वो इसके अंदर ऑयल जाने से बचाता है। और कितना ज़रा खस्ता है ये देखिए, इस तरीके से तोड़ा तो बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है, स्टफिंग बिल्कुल बराबर से फिल है। और यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ जब इसे एंजॉय करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। इस चटनी के साथ इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। अगर आप ये चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को केचप के साथ ही दे सकते हैं।
तो फ्रेंड अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना हुआ केचप है जो पूरे 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और ये रेसिपी भी बिल्कुल लंबे समय तक खराब नहीं होगी अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाया होगा। तो चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं, बहुत ही मजे की बनी है तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ जब भी आपके यहाँ एकदम से मेहमान आ जाए और आपके फ्रिज में केले पड़े हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, आलू के साथ ही बना सकते हैं। ये मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और फैमिली वालों को देने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।